हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्लोबल होम वेंडर्स में। मैं आज समीरन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक खूबसूरत सा 2 BHK ऑन रोड प्रॉपर्टी है। उत्तम नगर ईस्ट की लोकेशन आती है। यहाँ से हार्डली 200 से 300 मीटर पे उत्तम नगर ईस्ट का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो दोस्तों, करना आपको क्या है मैं सब चीज़ें बताऊंगा, इस फ्लैट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा और पूरा का पूरा वॉक थ्रू आपको कराने वाला हूँ इसका 75 गज के अंदर 2 BHK, बहुत ही खूबसूरत 2 BHK। तो आपको पहले छोटा सा एक ओवरव्यू देखना है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो। आप लोगों ने दोस्तों, आई होप आप लोगों को ओवरव्यू से पसंद तो आया ही होगा ये फ्लैट। तो बस अब मैं फटाफट से इसका वॉक थ्रू स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहां पर एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करके रखी हैं, जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितना स्पेस चाहिए, हमें क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अपने एक सपनों के घर में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज समीरन आप लोगों को इस 2 BHK का 75 गज के 2 BHK का वॉक थ्रू कराने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में कमलदीप बंसल जी यानी कि कमल भैया हमारे साथ होंगे वीडियो के एंड में। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वो कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। तो अभी मैं खड़ा हूं अपने हॉल एरिया के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉल एरिया के अंदर मैं खड़ा हूं तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं आज, तो इसकी फ्लोरिंग दिखाने वाला हूं आज मैं आप लोगों को। तो फ्लोरिंग जो है ये टाइल नहीं है दोस्तों, ये मार्बल फ्लोरिंग करी है हम लोगों ने। यहां पर आप देख सकते हैं डिजाइनर मार्बल फ्लोरिंग है प्रॉपर, और एंटी स्किट मार्बल है यहां पर। तो ये स्किट नहीं होंगे, ये देखिए ग्रिप, पूरी ग्रिप है इसके अंदर, कहीं भी स्किट नहीं करेगा ये। बहुत ही खूबसूरत घर में हमने हर एक चीजों को इन डिटेल सजाया है। ब्रांडेड फैंस लगा दिए हैं, शैंडलियर लगा दिया है सेंटर में, क्रिस्टल का शैंडलियर, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल डिजाइन के अंदर। और इसका जो फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे, देखिए ज्यादा हमने यहाँ पर कोई कलर्स ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर रखा है हमने इस फॉल सीलिंग को। अगर मैं बाकी की लाइट्स ऑन करूँ, देखिए ब्लू लाइट्स हमने अंदर दे रखी हैं, उसके अलावा कॉप लाइट्स दे रखी है हमने यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एड ऑन करी हुई है जो मैंने आपको अभी शो करी है। अब इसका मैप चमकाता हूँ मैं आपको। ये आपका मेन एंट्रेंस डोर है। मेन एंट्रेंस डोर से जब हम एंट्री करते हैं तो पहले आपका हॉल एरिया आता है। हॉल के साथ में यहाँ पर राइट में एक कॉमन वॉशरूम एरिया आ जाता है, और लेफ्ट में लॉबी है जो आपके दोनों रूम्स को कनेक्ट करती है और किचन को कनेक्ट करती है, जो हम वन बाय वन आपको शो करेंगे। अब अगर हॉल की बात करूँ तो हॉल में एक टीवी पैनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हॉल में हम लोग फैमिली के साथ डिनर वगैरह कर रहे हैं तो वी नीड अ स्पेस जहाँ पर हम लोग आराम से बैठ के डिनर करते हुए टीवी देख सके और इन्जॉय कर सके। अब मैं बात करता हूँ एक सोफ़ा सेट की। तो देखिए एल शेप में यहाँ पर एक सोफ़ा आ सकता है जो मैक्सिमम आपका यहाँ तक आएगा। एल टाइप का जो हम सोफ़ा लगाते हैं वो इस शेप तक आपका एक एल शेप एल टाइप का सोफ़ा आ जाता है। अब यहाँ से और यहाँ तक का जो स्पेस आपका बचता है दैट यू कैन यूटिलाइज एज अ डाइनिंग स्पेस। तो हॉल का स्पेस कुछ इस तरह से डिजाइन किया है 75 गज के अंदर कि आपका डाइनिंग स्पेस प्लस लिविंग एरिया दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाएं। सामने हमने आपको एक LED टीवी पैनल दिया है जिसमें आपका आराम से 45 से 55 इंच का LCD या LED टीवी लग सकता है। अब बात करूँ तो इस हॉल में हमने आपको एक स्प्लिट AC की फिटिंग प्रोवाइड कर दी है। स्प्लिट AC की फिटिंग इसलिए दी है ताकि आप लोगों को हॉल एरिया में वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी दे दी है आपको। यहाँ पर आपको एक छोटा सा 1 टन का विंडो AC भी फिट कर सकते हैं आप, उसके लिए भी हमने आपको एक पावर सॉकेट दे दिया है। अब बात करते हैं कॉमन वॉशरूम एरिया की। तो कॉमन वॉशरूम एरिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये कॉमन वॉशरूम एरिया आपका आ जाता है जिसमें हमने सारे सैनिटरी फिटिंग्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दी हैं। शावर बोलिए, कंसील फ्लश टैंक के साथ सीट की बात करें, या हम बात करें यहाँ पर एक सिंक की, एग्जॉस्ट का प्रोविजन, ऊपर हमने इवन वॉशरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग करके कॉब लाइट आपको प्रोवाइड कर दी है। अब बात करते हैं इस लॉबी एरिया की। तो लॉबी एरिया में जब हम एंटर करते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत लॉबी में भी हमने फॉल सीलिंग का डिजाइन किया हुआ है। अब लॉबी से हम लोग किचन में एंटर करते हैं। किचन में आप देखिए मॉड्यूलर किचन हमने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है, खूबसूरत सा मॉड्यूलर किचन है, काफी ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इवन आपकी जो चिमनी है वो अभी ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हमने आपको दे दी है चिमनी।
ये चिमनी आपकी वर्किंग कंडीशन में है, यहाँ पर आपको चिमनी में हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इवन चिमनी के ऊपर अगर आपको यहाँ पर क्लीन वगैरह करना है तो हमने आपके लिए यहाँ पर एक प्रोविजन दे दिया है कि आप इजीली इसको ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। यहाँ हमने शेल्फिंग यूनिट्स के अंदर हमने आपको ऑलरेडी शेल्फ जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत शेल्फ हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर बात करते हैं इस किचन एरिया से बाहर आते हैं जब हम, तो अब प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं। फर्स्ट बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर एक वार्डरोब मिल जाता है, स्लाइडिंग डोर वाला वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा शैंडलियर मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा शैंडलियर हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया आप लोगों के लिए। पर्ल्स लुक के अंदर आता है ये, गोल्डन क्राउन टाइप का एक शैंडलियर हमने यहाँ पर दे दिया है। प्लस इस रूम के अंदर भी ताकि वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, सेम जो हॉल में शाफ्ट की विंडो दे रखी है, सेम विंडो यहाँ पर भी हमने दे रखी है जो शाफ्ट से कनेक्ट करती है ताकि रूम में कंटिन्यूस वेंटिलेशन रहे। अब 2 BHK की बात कर रहा हूँ, 75 गज का 2 BHK है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हर एक चीज़ की फैसिलिटी की है। देखिए काम अभी चल रहा है तो यहाँ पर भी हम स्प्लिट AC का पूरा फिटिंग आपको करा कर दे रहे हैं, बस आपको अपना AC लेके आना है और यहाँ पर हैंग कर देना है। तो दोस्तों स्प्लिट AC आपको एक ड्राइंग रूम में मिल जाता है आपके लिविंग स्पेस में, एक आपको आपके फर्स्ट बेडरूम में मिल जाता है। तो 2 स्प्लिट AC, 2 वॉशरूम, बालकनी, 2 रूम्स, किचन मॉड्यूलर वो भी, और हर एक चीज़ ऐसे ही हम लोग बेसिक एमिनिटीज के साथ फॉरवर्ड कर रहे हैं। सेकेंड बेडरूम में आ जाता हूँ, सेकेंड बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेकेंड बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले तो देखिए कितना खूबसूरत फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हमने यहाँ पर कर दिया आप लोगों के लिए। मल्टी कलर लाइट्स है, एक S शेप में हमने यहाँ पर आपका फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया है, सेंटर में 2 सर्कल्स हमने आपको दे दिए, खूबसूरत सा एक शैंडलियर यहाँ भी दे रहे हैं हम आपको। तो देखिए शैंडलियर आप चाहें तो शैंडलियर की जो मूवमेंट्स है, मतलब आप शैंडलियर अगर ये वाला आप हॉल में चाहते हैं, हॉल वाला बेडरूम में चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पर भी आपको 2 फैंस लगे हुए मिलेंगे। बात करूँ इस वार्डरोब की तो देखिए स्पेशियस वार्डरोब है जिसमें हम आपको एक छोटा सा ड्रॉअर सेक्शन भी दे रहे हैं अंदर, जहाँ पर आप अपना वॉलेट, चार्जर या कोई भी ऐसी सामान, जो छोटा मोटा सामान है आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना इजीली वार्डरोब के अंदर। प्लस हमने आपको ऊपर छोटे छोटे कैबिनेट बना दिए हैं जिसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान, ब्लैंकेट्स वगैरह या पिलो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पिलोज रख सकते हैं आप इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस दे दिया हमने आपको। यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, अगेन जो चीज़ें कॉमन वॉशरूम में लगाई गई हैं सेम चीज़ें हमने आपको लिए यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दी हैं। हर एक चीज़, गीजर का प्रोविजन, शावर, सिंक, टॉयलेट सीट, जो भी बात करूँ हर एक चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इस रूम के अंदर भी एक छोटा सा TV लगाने के लिए हमने एक TV पैनल आपको दे दिया है, प्लस केबल की वायरिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पर करवा दी आप लोगों के लिए, तो केबल का अलग से कोई भी प्रोविजन आपको नहीं कराना है, केबल की वायरिंग भी हमने आपके लिए हम करा दी है। अब क्योंकि ये मेन रोड की प्रॉपर्टी है, देखिए हम लोग मेन रोड की जब बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको स्पेशियस बालकनी मिल जाती है, मेन रोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लस देखिए यहाँ पर MCD की जो गार्बेज क्या वैन जाती है वो भी आ रही है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी अच्छा व्यू है आपके यहाँ पर। प्लस यहाँ पर यूटिलिटी एरिया स्पेस भी हमने दे दिया है, वॉल टू वॉल टाइलिंग कर दी है, ऊपर भी हमने आपको एक लाइट दे दी है ताकि इवनिंग टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब चलते हैं और बात करते हैं कमलदीप जी से, क्योंकि कमलदीप जी हमारा वेट कर रहे हैं, और हमारा ही नहीं, हमारा इन द सेंस आपका, मेरा, हम सब का वेट कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स का वेट कर रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं थोड़ा और इस प्रॉपर्टी के बारे में। और हाँ याद रखिएगा, क्योंकि फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी ग्लोबल होम वेंडर्स के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको मिल सकते हैं कुछ एक्साइटिंग सरप्राइजिंग गिफ्ट्स। मैं आपको थोड़े ऑप्शंस भी दे देता हूँ, लाइक माइक्रोवेव ओवन हो गया, इन्वर्टर हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी चीज़ें आपके घर के लिए काम आती हैं, आपके नए घर के सजाने के काम आती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो फटाफट से चलते हैं और कमलदीप जी से जान लेते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और। तो आइए दोस्तों चलते हैं कमलदीप जी से बात करते हैं। तो भैया आपने 2 BHK दिखाया 75 गज का, और सबसे बड़ी बात मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी 2 BHK के अंदर हर रूम के अंदर हमने एक झूमर झूमर दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा है। मेन रोड है तो मार्केट साथ में मिल गई हमें, और प्ले वे स्कूल वगैरह सारी मतलब नियर अबाउट है, और वीकली यहाँ पे अपना मार्केट भी लगती है, लाइक जैसे लड़की और लेडीज वगैरह जाती है सब्जी मंडी के लिए तो कहीं जाने जरूरत है, संडे मार्केट यहीं लगती है। तो सबसे प्लस पॉइंट है स्कूल है, मंडी है,
मेन मार्केट है, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और सबसे प्लस कनेक्टिविटी है यहाँ से, अगर ई रिक्शा की बात करेंगे, ई रिक्शा में सीधा एंट्री करें सीधा उत्तम केश मेट्रो पे हिमालय सागर, मतलब बड़ी प्राइम लोकेशन अंदर, ये बड़ी प्यारी सोसाइटी लेके आए हैं। 110 गज की सोसाइटी हमारी, जिसके अंदर हमने बनाया 75 गज का आगे 2 BHK, 45 गज का 1 BHK, बड़ी बहुत ही सुंदर लोकेशन, बहुत प्यारा फ्लैट हमने बनाया अपनी तरफ से। तो एक बार इसका व्यू जरूर देखना आप, और देखना कि मार्केट लोकेशन सारी कुछ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही है। बड़ी बारीकी चीज़ हमने देखी इसमें कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या नहीं आती, झूमर किसमें देना, हमारी एलईडी पैनल, सारी फैसिलिटी हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड कराई है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब लोगों को करना कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी और अदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करना इतना ही है कि नाम, मोबाइल नंबर, अपने फ्लैट का साइज और अपना बजट लिख के भेज देना, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम लोग लोन वगैरह की जो फैसिलिटी होती है सर, लोन जैसे मर्जी, LIC आपको बताया, LIC, GIC, IFL, आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, हर तरह के बैंक के साथ हमारा टाइप है। बिल्कुल, तो लोन की तो किसी भी तरह की, चाहे कैश की प्रोफाइल है, जैसे मर्जी है, सेल्फ है, जो मर्जी प्रोफाइल है, लोन की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कोई इशू किसी भी तरह का है तो डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट पे नंबर भी आ रहा है मेरा, तो देन जब मर्जी कॉल कर सकते हैं आप किसी भी टाइम। तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे हमारा कस्टमर के नंबर प्लस इनका पर्सनल नंबर है, तो आप देर मत कीजिए, फटाफट से हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर इसी फ्लैट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम फ्लैट बचे हैं इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास, मैक्सिमम 3 से 4 फ्लैट है जो अवेलेबल है। और हाँ, एक फ्लैट, एक बेनिफिट है हमारे पास कि फ्लैट में हमारे पास एक फ्लैट अभी भी प्रॉपर्टी में बचा हुआ है जो रूफ राइट के साथ है। तो जो लोग रूफ राइट के साथ देख रहे हैं, जिन्हें अपनी पर्सनल छत चाहिए, तो वो भी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट से चले ग्लोबल होम वेंडर्स, क्योंकि वो है आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सॉल्यूशन।